हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये वीडियो भी एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है। सो फॉर 21 डेज आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल द हेयर नॉर्म्स वी हैव हेयर केयर नॉर्म्स वी हैव हर्ड अबाउट। जैसे कि बोलते हैं कुछ लोग कि आप मेथी सीड खाओ, इट्स अ गुड हेयर सप्लीमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि रात में आप अच्छे से विदाउट ऑयल और विद ऑयल आप ना मसाज करो। एंड देन बहुत सारे ऐसे ऐसे नॉर्म्स आपने सुने होंगे, तो मैं वो उनमें से कुछ पिक करके ट्राई करने वाली हूँ फॉर लाइक नेक्स्ट 21 डेज। ओके, सो आई विल अपडेट यू अबाउट दिस कि मेरा हेयर क्या प्रोग्रेस हुआ क्या नहीं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं खा रही हूँ मेथी सीड्स, ठीक है, सोक्ड मेथी सीड्स मैं खा रही हूँ एज अ हेयर सप्लीमेंट। आफ्टर दैट मैं रात में डेली 5 to 10 minutes अपने हेयर्स को मसाज करूँगी लाइक अपसाइड डाउन। उसके बाद मैं उनको अच्छे से मोटे दांत वाले कोम से कोम करके सोने वाली हूँ। सबसे बड़ा हेयर नॉर्म ये है कि आप अपने बालों को टैंगल फ्री रखो, जिससे हेयर फॉल कम होता है। जितने कम टैंगल हेयर्स होंगे उतना कम हेयर फॉल होगा। उसके लिए लोग आपको बोलते हैं कि यू नीड टू अप्लाई कंडीशनर्स एंड यू नीड टू अप्लाई हेयर सीरम्स। बाहर बहुत साउंड है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो आई एम गोइंग टू डू दिस डेली लाइक फॉर नेक्स्ट 30 days। मे बी हेयर में कुछ खास चेंज ना हो, बट स्टिल वी कैन ऑब्जर्व कि कुछ तो चेंज आया है लाइक द शाइन एंड द स्ट्रेंथ एंड द हेयर फॉल। आई विल गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू। सो लेट्स जस्ट डीकैंटैंगल आर हेयर विद दिस वाइट टीथ कॉम्ब एंड लेट्स फॉलो दैट पर्टिकुलर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड आर हेयर इनटू टू इक्वल सेक्शंस लाइक दिस एंड वी विल मेक इट कॉम्ब वेरी नाइसली। एंड एक और हेयर केयर नॉर्म ये है कि आप अपने बालों को नीचे से कॉम करना स्टार्ट करो, जिससे कि हेयर फॉल कम होगा। सो वी विल गोइंग टू ट्राई दैट आल्सो। ये वाले साइड को जाकर नीचे से कॉम करना है। Like there's no hairs on my comb as you can see. Now the another hair norm is अगर आप अपने बालों को रात में daily 10 से 15 मिनट तक without any oil और without anything भी अगर आप उसको मसाज करो, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल बढ़ते हैं। So let's try that also. So I'm massaging this without any oil because मुझे ऑफिस जाना होता है और सब कुछ करना होता है। Gently I'm massaging my hairs from the end. I have done the massaging thingy और ये बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है, बट मुझे ये क्रूड जैसा लग रहा है। ऐसे क्रूड में वो प्रिंसेस नहीं थी, वैसा कुछ फीलिंग आ रही है। बट वी अनदर हेयर नॉर्म इज आपको अपने हेयर टिप्स को आफ्टर दैट मसाज ऑयल से व्हाट वी विल से लॉक करना है। सो वी विल डू दैट ऑल्सो। इससे कहते हैं कि स्प्लिटिंग्स नहीं पड़ते हैं या फिर बहुत कम पड़ते हैं या फिर कुछ सर्टेन लेंथ तक तो बिल्कुल नहीं पड़ते। सो वी विल ट्राई, आई एम गोइंग टू ट्राई दैट बिकॉज इस लेंथ के बाद मेरे को स्प्लिटिंग्स आते हैं। सो इट्स दिस सेक्शन एज यू कैन सी। अब मैं क्यों ऐसे देख रही हूँ दिस सेक्शन, और यहाँ पे करने से आई थिंक ये ड्राई भी हो जाएगा और आप अपने स्कूल कॉलेज या फिर कोचिंग या फिर कहीं पे भी जा सकते हो। आपको तुरंत तुरंत से हेयर वॉश करने की नीड नहीं है। सो यू कैन ट्राई दिस। आई एम टेकिंग फ्यू ड्रॉप्स रबिंग इट टू मेक इट लिटिल वार्म एंड देन स्प्लिट इंस पे ओनली लगा रही हूँ मैं, ओनली सॉरी हेयर एंड स्टिक्स पे। अनदर हेयर नॉर्म कि आप सोते वक्त अपने बालों को कॉम्ब करके उसको ब्रेड या फिर बन बना लो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बन बनाती हूँ तो मेरे बाल थोड़े से खोलते टाइम ज़्यादा गिरते हैं, और ब्रेड बनाती हूँ तो उसमें ऐसे शेप आ जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती। सो मुझे बाहर जाना होता है तो वो मैं नहीं करने जाना चाहती। सो मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला है जिससे कि बाल ब्रेड और बन से ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और शट अप मैन, शट अप। सो लेट्स सिंपली मेक अ पोनी टेल ऑफ योर हेयर्स। जेंटली कलेक्ट योर ऑल हेयर्स एंड मेक अ नॉर्मल पोनी टेल जस्ट लाइक द, और फिर एक और रबड़ लेके एंड कॉर्नर्स को भी सिक्योर कर लो। तो ये एग्जैक्टली मेरे हेयर्स ऐसे ही दिखते हैं। मैंने 4 दिन पहले शैम्पू किया था, तो मैं आपको एकदम ओरिजिनल कंडीशन दिखा रही हूँ हेयर की। ऐसे एंड्स हैं और ऐसे पूरा हेयर से भीगी हुई मेथी है और ये है पानी, और मैं इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ। एज यू कैन सी माई कंडीशन, अभी अभी सुबह हुई है। तो हाय, मैंने अभी अभी बाल धोए हैं एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। और उसके बाद मैंने कल थोड़ा सा ऑयल लगाया था, फिर बाल धोए थे। सो अभी आई एम गोइंग टू अप्लाई हेयर सीरम, क्योंकि इससे बाल बहुत टैंगल फ्री रहते हैं। सो एवरी टाइम पीपल से कि इफ़ योर हेयर्स आर टैंगल फ्री एंड लाइक गुड, सो वो हेयर फॉल कम होता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई ऑल्सो दैट फॉर स्ट्रेट 21 डेज एंड दिस इज अप्लाई हेयर सीरम। ओके, और हेयर सीरम आई एम अप्लाइंग दिस वन फॉर एवर 20 लाइक। So
सो हेयर सीरम को कभी भी अपने बालों के रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसको लेंथ पे लगाना चाहिए, तो जैसे कि मैं लगा रही हूँ वैसे ही। सो आई हैव अप्लाइड दैट हेयर सीरम, एक्चुअली हेयर डज फील वेरी गुड, लाइक वेरी डिटैंगल्ड एंड स्ट्रेट। सो दैट्स इट, नाउ आफ्टर वंस माय हेयर्स गेट ड्राई ओनली देन आई विल मेक देम लाइक इन अ बन और सिक्योर देम इन अ पोनी समथिंग। ओके, सो एज यू कैन सी सो क्यूटी हूँ और मैं खा रही हूँ मेथी सीड्स। मुझे मेथी बिल्कुल नहीं पसंद है बट मैं ये खा रही हूँ फॉर हेयर्स, और अब शायद नेक्स्ट लाइव डे वाले दिन ये वीडियो लाइव होने वाली है। सो लेट्स सी। ओ माई गॉड, दिस इज़ द ओनली वर्ड आई कैन रिमेंबर। ये मेरे बाल हैं, शाइन कितना बढ़ गया है, हेयर फॉल कम हुआ है, लाइक कॉम में यू कैन ईजिली सी, एंड आई जस्ट लव देम, द रिजल्ट आर अनएक्सपेक्टेड। सो या सो दैट जितना भी हेयर नॉर्म थिंग मैंने किया था इट एक्चुअली वर्क, आई ऑल्सो कॉन्ट बिलीव इट, बट अभी सिर्फ 21 days हुए हैं, लाइक 21 days में इट हेयर फॉल रिड्यूस हो गया, इट इज़ मोर शाइनियर, and I just can't believe that these small things actually work. I am going to continue it, so yeah, let me know that if you are going to try it or not, because it actually works. So yeah, follow for more and please do subscribe my channel and please okay bye bye.